हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल वुल्फ स्टॉकर। देखिए दोस्तों, हम लोग अभी बात कर रहे हैं बैंक निफ्टी के बारे में, और कल के सेशन में हमको कैसे ट्रेड करना है और किस हिसाब से ट्रेड करना है उसके बारे में बात करने वाले हैं। और वैसे भी हम लोगों ने ये चीज़ देखी है कि वैसे भी 2 दिनों से मार्केट नेगेटिव था, और आज क्या था, फेड का मीटिंग था तो इसको सपोर्ट किया और मार्केट ने इसके हाई पे क्लोज़ किया। मतलब ये है कि अभी तो क्लियर कट ये भी नहीं कह सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि ये फेड की मीटिंग की वजह से जो भी रिज़ल्ट आया है उस रिज़ल्ट की वजह से मार्केट आज पॉजिटिव मोमेंट करके रखा है। तो कल के डे में पता चलेगा, अगर ये वैसे भी इसके हाई पे है, अगर यहाँ से पॉजिटिव मोमेंटम लेगा तो फिर हमको ये जो गैप फिलिंग है इसको कंप्लीट करेगा, ठीक है। और हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होगा, 38,000 का, ठीक है, 37,950, जो कि हमारा एक अच्छा सपोर्ट जोन भी है। तो हमारा फर्स्ट टारगेट वहाँ के लिए हो सकता है, अगर इसके ऊपर क्लोज़ करे, मतलब 37,000 के ऊपर मार्केट जब चलना चालू करेगा तब के लिए हम देख सकते हैं, अगर मार्केट बुलिश मोमेंटम में आएगा तो। अदरवाइज़ तो अभी भी ये गैप है ही है, बट हो सकता है कि मार्केट अब रिज़ल्ट की वजह से थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम दिखा सके। तो अभी देखते हैं कि कल के सेशन में हम किस तरह से ट्रेड करने वाले हैं। तो हम तभी चेंज करते हैं 15 मिनट में चार्ट को, और 15 मिनट में हम आते हैं चार्ट को देखते हैं अभी। अब देखिए दोस्तों, ये चार्ट जो है वो है 15 मिनट का, ठीक है। अब देखिए 15 मिनट में एक पोजीशन जो है, आज की ट्रेड हमने करी थी और एक पोजीशन अच्छी है भी, वो पोजीशन है क्या कि अपसाइड मोमेंटम में देखिए 3 डेज से लगभग लगभग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है, देखिए जो आज ब्रेक हुई है। पॉजिटिवली अगर इसको देखें तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे, और अगर यही ट्रेंड लाइन अगर हम एक जोन देखें डाउन साइड में भी तो ये रहा, जो कि हमको साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, मैं आपको ये ट्रेंड लाइन के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए अभी ये क्या है, ये 25, 26 और 27 आज के डे में ही ये है, जो कि आज इसका ब्रेकआउट हुआ है, इसके अलावा इसका ब्रेकआउट हुआ नहीं है। जैसे देखिए, अगर हम ध्यान दें तो मार्केट जो है यहाँ से जब इसको सपोर्ट लेके एक बार ऊपर जाता है तो यहाँ पे एक बार सपोर्ट कर रहा है, फिर नीचे आता है। देखिए रेजिस्टेंस यहाँ पे देखो, एक एक दो तीसरी बार में मार्केट ने ब्रेक किया, वहीं नीचे सपोर्ट में देखिए एक दो तीसरी बार में भी मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद अपसाइड में ब्रेक किया। तो मोमेंटम यहाँ पे भी बहुत हाई थी, और आज जो था ये फेड की मीटिंग का जो भी रिज़ल्ट था इस टाइम पे आ गया, और वहाँ के बाद तो मोमेंटम बहुत हाई था ही, ठीक है। कोई आज न्यूज़ बेस भी अगर ट्रेड किया होगा तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट उसको मिला ही होगा। बट अब देखते हैं कि अगर हमें कल के डे में हम क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर मार्केट कल गैप अप खुलता है, देखिए 790 मतलब 800 पे तो क्लोज़ किया ये लगभग, ठीक है, 795, तो अगर ये कहीं 900 के आसपास खुलता है, मतलब इसके ऊपर कहीं खुलता है, ओपन होता है, तो फर्स्ट टारगेट ये 37,100 का हो सकता है, 37,050 मान लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट टारगेट डायरेक्टली मार्केट उसको टच करने वाला है, और अगर इसको टच करता है और यहाँ पे थोड़ा सा वेट करता है तो हम एक पुट साइड के लिए पोजीशंस देख सकते हैं। क्योंकि वैसे भी देखो, यहाँ के बायर्स और यहाँ पे बायर सेलर दोनों हैं, तो मतलब बायर्स की थोड़ी संख्या ज़्यादा है। तो अगर मार्केट हाई रेंज पे अप साइड में मोमेंटम में खुलता है और यहाँ कहीं पे 37,000 के आसपास अगर रिटेस्ट करता है तो वहाँ से हम पुट साइड की एक पोजीशन ले सकते हैं, ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर मान लेते हैं कहीं डाउन साइड में ये खुलता है, मतलब 36,600-700 के आसपास खुलता है, मतलब 1400 पॉइंट अगर नीचे खुलता है, तो क्या करेगा, इसी ट्रेंड लाइन को अगर सपोर्ट करता है, वेट करता है, सपोर्ट करता है, तो अप साइड में मोमेंटम मिलेगा ही मिलेगा। फिर पहली पोजीशन,
अगर ये इसके डाउन साइड में आएगा तो फिर हम इसके लिए टेस्ट के लिए चेक कर सकते हैं, और अगर फ्लैट खुलेगा तो भी हमारे लिए सबसे बेस्ट पोजीशन है। फ्लैट खुलने के बाद अगर इसको टेस्ट करें तो फर्स्ट पोजीशन कॉल साइड में ये देख सकते हैं, या फिर इसको टेस्ट कर ले तो फर्स्ट पोजीशन हम कॉल साइड में ये देख सकते हैं और सेकेंड पोजीशन ये देख सकते हैं। वैसे भी मार्केट थोड़ा ज़्यादा मोमेंटम में है और मानना है कि फर्स्ट मॉर्निंग साइड तो एक बुलिश ट्रेंड दिखाए गए, तो देखते हैं। हैव अ सेफ ट्रेड, थैंक यू।